इस वक्त हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह हैशटैग मी टू मोमेंट की गूंज है, जहां पर ये मामला सबसे पहले शुरू होता है तनुश्री दत्ता के द्वारा और नाना पाटेकर इसकी चपेट में आते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मोगुल फिल्म से आमिर खान रिजेक्ट कर देते हैं वो फिल्म को और बोलते हैं मुझे ऐसे एनवायरमेंट में काम नहीं करना। उसके बाद अक्षय कुमार साहब भी बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं और वो कहते हैं कि हाउसफुल 4 के जो डायरेक्टर हैं यानी कि साजिद खान, उनके साथ भी फिल्म नहीं करना और उनको सैक कर दिया जाता है, वो निकल जाते हैं दोस्तों। और अब फाइनली नाना पाटेकर भी फिल्म से अपना नाम वापस ले लेते हैं। हाउसफुल 4 बहुत ही बड़े लेवल की बन रही है ये फिल्म, जो कि रीइंकार्नेशन के सब्जेक्ट पर है बेस्ड। और इसकी आधी से ज़्यादा जो शूटिंग है वो लंदन में फर्स्ट स्केड्यूल में कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद दोस्तों इसका शूटिंग स्केड्यूल जो है वो राजस्थान में धड़ल्ले से चल रहा था, ठीक है, सारे जो पुराने ज़माने की हवेली टाइप्स वो सारा इसका फील था। लेकिन अब सामने आई है बात कि नाना पाटेकर जी को रिप्लेस करेंगे संजय दत्त साहब या फिर अनिल कपूर। जी हाँ, नाना पाटेकर ने अपना नाम जो है इस मी टू कैंपेन के चक्कर में वापस ले लिया है और जब तक वो निर्दोष प्रूफ नहीं हो जाते वो काम नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो मी टू मोमेंट तो भाई चल रहा है जिसके चक्कर में वो निकल गए हैं, लेकिन अब हाउसफुल 4 में नई एंट्री हो सकती है संजय दत्त जी की या फिर अनिल कपूर साहब की। वेल लेट्स सी, आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसको होना चाहिए हाउसफुल 4 में, कौन है पर्टिकुलर एकदम इस रोल के लिए फिट बैठता है? कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे जरूर बताइएगा। और इस तरीके से ये जो मोमेंट चल रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हैशटैग मी टू कैंपेन, उसके बारे में आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में सारी अपनी राय बताएं। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए। टेक केयर।